हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। परिवार पहचान पत्र, यदि आप हरियाणा से हैं तो इस नाम से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। तो ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई परिवार पहचान पत्र नहीं है जिसमें कोई ना कोई मिस्टेक ना हो, कोई ना कोई दिक्कत ना हो। सरकार ने या जो आपके एरिया में फैमिली आईडी बनाने आए थे ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, उन्होंने कोई गलती ना कर रखी हो या आपसे कोई गलती ना हो रखी, ऐसा कोई भी परिवार नहीं है हरियाणा में। हर किसी को कोई ना कोई, किसी को छोटी किसी को बड़ी दिक्कत है। कुछ दिक्कत तो ऐसी है जिसकी वजह से आपको बहुत सारे फ़ायदे अपने छोड़ने पड़ रहे हैं, हालांकि वो आप जानते हैं कि गलत है, लेकिन आप उसको ठीक नहीं करवा पा रहे हैं। तो सरकार ने एक आदेश दिया है और राहत भरी खबर है। इस बार ये करेक्शन आप करवा सकते हैं, आपके फैमिली आईडी में कोई भी दिक्कत है आप ठीक करवा पाओगे। इसके लिए सरकार ने आदेश दिए हैं। क्या कुछ कहा है और कब से ये आप करेक्शन का काम कर सकते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो देखिए, आय को छोड़ परिवार पहचान पत्र में किसी भी तरह की गलती ठीक कराने को लगेंगे 3 दिवसीय कैंप। जो फैमिली आईडी में इनकम आपकी है ना, वो इनकम तो इस कैंप में ठीक नहीं होगी, बाकी आपके फैमिली आईडी में, ट्रिपल पी कार्ड में, परिवार पहचान पत्र में कोई भी मिस्टेक है, कोई भी एरर है, इसको ठीक करने के लिए 3 दिन कैंप लगाए जा रहे हैं। कब से कब तक? 28, 29 और 30 अप्रैल। ये 3 दिन हर गांव में लगेंगे, हर शहर में लगेंगे। मोबाइल पर मैसेज भी भेजा जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, मोबाइल पर यदि मैसेज भेजा जाए तो इसका आप सावधानी से देखना। कहीं कई बार ऐसा भी देखा गया, अखबारों में खबर आई है कि मोबाइल पर मैसेज आते हैं इस तरीके के, फैमिली आईडी ठीक करने वाले हैं, हम डिपार्टमेंट से हैं, तो उनके अकाउंट वगैरह बैंक में दिक्कत हो गई। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। परिवार पहचान पत्र में आय को छोड़कर किसी भी प्रकार की त्रुटि ठीक करवाने के लिए जिला के सभी शहरों और गांवों में 28 से 30 अप्रैल तक 3 दिवसीय कैंप लगाए जाएंगे। जिन नागरिकों के पास नागरिक संसाधन सूचना विभाग की तरफ से उनके मोबाइल पर SMS आएगा, उन्हें इन कैंप में त्रुटि ठीक करवाने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर के साथ परिवार पहचान पत्र को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक के बाद अतिरिक्त उपायुक्त एवं नागरिक संसाधन सूचना विभाग के नोडल अधिकारी अनुराग ढालिया ने बताया कि जिला महेंद्रगढ़ में यह कैंप लगाने के लिए जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, ये जो न्यूज़ छपी है आपकी नारनोल लोकेशन के लिए छापी गई है, लेकिन हो सकता है ये कैंप पूरे हरियाणा लेवल पर लगाए जा रहे हो, तो आप अपने एरिया में इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा कि यदि आपकी फैमिली आईडी में दिक्कत है और आप अभी तक ठीक नहीं करवा पा रहे थे तो इस कैंप का बेनिफिट उठा लीजिए। लेकिन इस कैंप आपके एरिया में कैंप है या नहीं है, आपको ये अपने BDO ऑफिस से है या AD ऑफिस से है या फिर आप DC ऑफिस से या अपने शहर में CSC सेंटर है उनसे पता करने की कोशिश कर लीजिएगा। तो ये अपडेट थी आप सभी के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी है। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। भगवान की कृपा, आप सभी का समय शुभ रहे।